अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, इसका नाम है एम्प्लॉई बेनिफिट, एम्प्लॉई बेनिफिट। तो ये एक अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लायबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेसिकली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। और वेटेज वाइज देखें तो वही 4 से 5 नंबर तक की वेटेज का इसका क्वेश्चन बनता है। और इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब थोड़ा सा नया है क्योंकि आपने इस तरह की बातें पहले नहीं पढ़ रखी, तो इसमें आपको कुछ नयापन लगेगा, बढ़िया मज़ेदार बातें हैं। एम्प्लॉई बेनिफिट है ना, और लायबिलिटी बेस्ड बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो आप अभी समझ जाओगे कि क्यों कह रहे हैं ऐसा। तो इसको हम समझने के लिए इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा डायग्राम शायग्राम बनाते हैं। तो एक झोंपड़ी बनाते हैं, झोंपड़ी का मतलब है कि ये कंपनी है कोई, ठीक है, और इधर 2-4 आदमी बना लेते हैं। तो कंपनी को हम कह देते हैं एम्प्लॉयर, है ना, और आदमियों को क्या कह देंगे, एम्प्लॉई। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शुरुआत ही इस स्टोरी से हो रही है कि एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है, और एम्प्लॉयर जो है इस चैप्टर में अपने एम्प्लॉई को क्या दे रहा है, बेनिफिट्स दे रहा है। बेनिफिट्स पे आप 2 सितारे लगा लेना, जो अभी थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को क्या दे रहा है, बेनिफिट्स दे रहा है। अब इसमें एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट कवर किया जाता है कि जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को बेनिफिट देता है तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि वो अपने एम्प्लॉई को बेनिफिट दे रहा है, एम्प्लॉई के पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, यानी कि उसका परिवार है। तो अगर एम्प्लॉयर उसके परिवार के लिए भी कोई बेनिफिट दे रहा है तो वो भी यही माना जाएगा कि एम्प्लॉई को बेनिफिट दिया गया है। तो फैमिली ऑल्सो मतलब हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं। फिर एम्प्लॉई को आप करली ब्रैकेट के नीचे कवर करके उसके नीचे लिखना कि बच्चा पूछता है सर एम्प्लॉई मतलब कौन, तो एम्प्लॉई मतलब लिख लो ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज। ऑल टाइप्स का मतलब है, ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो आप, फुल टाइम वाले भी, कॉमा पार्ट टाइम वाले भी, कॉमा कैजुअल वाले भी, मतलब कोई भी, एटसेट्रा। एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय, कैसा भी हो एम्प्लॉय, मुलाजिम। तो कैसा भी एम्प्लॉय हो, चाहे फुल टाइम हो, हाफ टाइम हो, 2 घंटे के लिए आता हो, 1 घंटे के लिए आता हो, कैजुअल हो, तो यहाँ पर एम्प्लॉय का मतलब एम्प्लॉय है, सभी कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा जी, अब बेनिफिट्स टर्म पर आते हैं कि सर बेनिफिट का मतलब क्या, 500-500 के नोट। तो बेनिफिट का मतलब है कैश और काइंड, सब कुछ कवर किया जाएगा, कैश और काइंड, चाहे कैश के फॉर्म में हो या काइंड के फॉर्म में हो, वो सब कुछ ही बेनिफिट के अंदर परिभाषा में कवर किया गया। तो इस बेनिफिट की परिभाषा को थोड़ा वाइडर रखा गया, इसीलिए कि कैश भी हो और काइंड भी हो। अगर हमने अपने एम्प्लॉय को गाड़ी दे दी, घर दे दिया, तो वो भी सब बेनिफिट्स के अंदर आ जाता है। तो ये तो कंटेक्स्ट बन गया, और आपने इस तरह की बात शायद पढ़ भी रखी होगी थोड़ा थोड़ा, 12th के अंदर नेशनल इनकम में भी होता था, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट्स देता था, तो इस तरह की चीज़ें इसमें हो गई। अब हम आते हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या डील करने को कह रहा है। तो अब इसमें हमारी जो नौकरी है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम इस कंपनी के सीए, तो हमारा काम जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि हम इस कंपनी के सीए हैं। तो कंपनी तो कह रही है कि भाई हम अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दे रहे हैं, तो अब सीए साहब की ड्यूटी लगाई है कि चलो अकाउंटिंग करो। तो अब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ से शुरू हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ नीचे लिख लेते हैं, आप इसके नीचे लिख लो ऐसी करली ब्रैकेट बनाकर, कि हमारा इसमें जो मेन मुद्दा है वो ये है। तो आप इसको कवर करके बड़े से बॉक्स में लिख लेना, कीवर्ड है ये मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल आपने बचपन में सुना था, जब आप बहुत ही छोटे बच्चे थे, मासूम से, क्लास 11th में,
जब टीचर की सारी बात माना करते थे। मैचिंग प्रिंसिपल होता था तब क्लास 11th में, तो किसको याद है मैचिंग प्रिंसिपल? हाँ बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल। तो मैचिंग प्रिंसिपल में ये होता था कि अगर मान लो इस साल हमने कोई रेवेन्यू अर्न करा तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को उसी साल में रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि इनकम और एक्सपेंस का मैचिंग बना रहे। अब इसमें क्या मैचिंग प्रिंसिपल की बात करनी है इंपॉर्टेंट, वो लिखते हैं, इसी के नीचे लिखते हैं कि दैट इज कॉस्ट एसोसिएटेड विद एम्प्लॉयज बेनिफिट शुड बी मैच्ड विद टाइमिंग ऑफ देयर सर्विस, शुड बी मैच्ड विद टाइमिंग ऑफ देयर सर्विस। ठीक है, तो इसमें आपको अगर हाईलाइट करना हो कीवर्ड्स हैं मैच्ड विद टाइमिंग। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो हमारे एम्प्लॉय ने इस साल नौकरी करी तो हम उसकी सैलरी को इसी साल का तो खर्चा दिखाएंगे या उसको जो बेनिफिट दे रहे हैं वो इसी साल तो रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे कि उसने सर्विस पे करी, सर्विस करी थी 2 साल पहले और हम खर्चा आज दिखाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ये एक सिंपल सी बात है कि जो भी कॉस्ट है हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट की उसको हम उसकी सर्विस के टाइमिंग के हिसाब से मैच करते हैं। तो उसने अगर इस साल नौकरी करी, 6 महीने नौकरी करी या जो भी काम करा तो इसी साल में उतने महीने का जो भी खर्चा होगा वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये हो गया जी मैचिंग प्रिंसिपल, और ये हो गया मतलब एक तरह से एम्प्लॉय बेनिफिट को हमें रिकॉर्ड करना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें कह रहा है। अब इसमें बेनिफिट तो चलो आप समझ गए कि कैश और काइंड। अब इधर एक बादल बना लो आप, छोटा सा या बड़ा सा बाद में बना लेना चाहें। अब हमें एम्प्लॉय पर थोड़ी सी एक चर्चा करनी है, एम्प्लॉय वर्ड पर। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय सर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब नौकर है ना, नौकरी हो गया। ठीक है, तो वैसे तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एम्प्लॉय की डेफिनेशन नहीं दे रखी, तो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ये छोड़ रखा है कि सीए को खुद अपनी बुद्धि लगानी है, खुद कंपनी को देखकर समझना है कि ये एम्प्लॉय है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दो बड़े ही बेहतरीन शब्दों को हमें समझाया है, तो वो हम लिखते हैं, दो एरो बना लेते हैं इसके नीचे। एक शब्द है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो मतलब क्या खूबसूरती से पेश किया गया है शब्दों को, एक में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ठीक है, तो ऑफ और फॉर का फर्क हो गया। मतलब पहले का मतलब हो गया कि सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे का हो गया सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट, है ना, थोड़ा सा फर्क हो गया। तो इसमें देखो इन शब्दों में ये फर्क है कि हम कॉन्ट्रैक्ट जब देखते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। तो दोनों में ये अंतर होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब बेसिकली जो होता है वो होता है कि ये हमारा एम्प्लॉई है, मतलब इस पर टिक लगाना है आपको कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कि उससे सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस जो है इसका मतलब था कि हम किसी पर्टिकुलर काम के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोफेशनल्स होते हैं जो एम्प्लॉई नहीं होंगे। तो देखो दो शब्दों का एएस है, क्या है पहला शब्द? एम्प्लॉई, और दूसरा शब्द बेनिफिट। तो एम्प्लॉई को तो एएस ने डिफाइन नहीं कर रखा, कह रहा वो आप अपने आप कर लोगे। बेनिफिट पे हमने अब दो सितारे लगाए थे, तो अब वो बेनिफिट को हम नीचे लेके चलते हैं। तो अब उन दो तारों का लिंक बना लेते हैं, तो ऐसे हम नीचे लिखते हैं बेनिफिट्स, कि आखिर बेनिफिट्स का मतलब क्या कह रहा है वो। तो बेनिफिट्स में चार पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4। पहला है शॉर्ट टर्म, इस पे आप स्टार बना के लिख लेना ए, इसको अलग से भी डील करेंगे।
दूसरा है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, इस पर आप स्टार बना के मार्क कर लेना बी, इसको भी अलग से डील करेंगे। तीसरा है लॉन्ग टर्म, इस पर कुछ नहीं लिखना। और चौथा है टर्मिनेशन बेनिफिट, चौथा है टर्मिनेशन बेनिफिट। ठीक है, तो चार नाम दे दिए बेनिफिट को, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट और टर्मिनेशन बेनिफिट। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट का मतलब तो ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, छोटे मोटे एग्जांपल जैसे जो 12 महीने के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वेजेस सैलरीज एट्सेट्रा, है ना, तो ये तो 12 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ये भी शायद आपने सुन रखा होगा कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी ख़त्म होने के बाद जो मिलते हैं, ग्रेचुटी, है ना, पेंशन, तो इनको नाम दे दिया पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मतलब हो गए जो 12 महीनों से ज़्यादा के लिए बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जिनका फ़ायदा 12 महीने से ज़्यादा चल रहा है, उसमें एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट। हालांकि अब हम प्रैक्टिकली डिसेबल वर्ड नहीं बोलते, स्पेशली एबल वर्ड बोला जाता है आजकल ज़माने में, लेकिन AS की लैंग्वेज में क्योंकि डिसेबल लिखा हुआ है तो मेरे को भी वही यूज़ करना पड़ा, तो कृपया मुझे जज मत करना कि मैंने डिसेबल कह दिया। तो AS की लैंग्वेज में लिखा है डिसेबिलिटी, वैसे आजकल आपको पता होना चाहिए अब हम डिसेबल वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, हम बोलते हैं स्पेशली एबल्ड वैसे प्रैक्टिकली, लेकिन है कि ये क्या कि मान लो कोई एम्प्लॉई जो है वो स्पेशली एबल हो गया या है, तो कंपनी कहती है कि भाई चलो आप जब तक आपका जीवन है हम आपको बेनिफिट देते रहेंगे, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा देते रहेंगे, तो वो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो गया, तो उसको नाम दे दिया लॉन्ग टर्म, 12 महीने से ज़्यादा वाला। अच्छा, टर्मिनेशन बेनिफिट, ये भी आपने शायद सुन रखा हो, टर्मिनेशन मतलब कि कोई नौकरी छोड़कर अब चला गया, बीच में चला गया, निकाल दिया हमने हालांकि, या वो खुद चला गया, तो इसका एग्जाम्पल होता है VRS, हाँ, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम वाली पेमेंट, कि भाई कभी कभी कुछ कंपनियां ये भी कहते हैं कि भाई देखो आपको जब छोड़ना हो छोड़ देना, और जब आप छोड़ोगे तो हमसे 10 लाख रुपए ले लेना, तो ये भी मतलब एक बेनिफिट है, टर्मिनेशन बेनिफिट। तो आमतौर पे नाम दिए गए हैं शॉर्ट टर्म पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म और टर्मिनेशन बेनिफिट। तो इसमें नीचे के दो के तो बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना, वो तो बेकार ही हो गए, बस लिख के छोड़ना है। शॉर्ट टर्म पे अलग चर्चा होगी स्टार ए, और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट पर अलग चर्चा होगी स्टार बी। तो पहले स्टार ए से शुरू करते हैं, तो स्टार ए लिख लेते हैं पहले, शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस, मतलब इसमें हमें स्टार ए में ये पॉइंट कवर करना है, शॉर्ट टर्म में एक स्पेशल पॉइंट है जिसका नाम है एक तरह से शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस। ठीक है, तो पहले आप एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लो, फिर समझाता हूँ। तो इसमें आप दो बाइफरकेशन करना, पहले बाइफरकेशन में लिखना एक्यूमुलेटिंग और दूसरे बाइफरकेशन में लिखना नॉन एक्यूमुलेटिंग। तो किसी के घर में कोई सरकारी नौकरी करता है, माता या पिता, उन्हें पता होगा शायद, तो एक्यूमुलेटिंग का मतलब होता है, लिखो फिर आपको समझ आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड इन फ्यूचर पीरियड, कैरी फॉरवर्ड इन फ्यूचर पीरियड। तो देखो जी, कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस, ये शब्द आया, कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस का मतलब है, एब्सेंस का मतलब होता है छुट्टी,
है ना। और कॉम्पनसेटेड का मतलब है कि कॉम्पनसेशन मिलना, पैसे मिलना। तो इसको एक्चुअल मतलब एक्चुअल जब आप नौकरी करने जाते हो तब इनको बोला जाता है पेड लीव्स, कि मतलब मैंने छुट्टी भी कर ली तब भी मुझे तनख्वाह मिलती है, उसको पेड लीव्स बोलते हैं। तो एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को आमतौर पर कहता है, मैं ऐसी कुछ भी बोल रहा हूँ, कि आपको मैं एक साल में 30 पेड लीव्स दूंगा, कि भाई आप एक साल में 30 छुट्टियाँ अपने मन से जब चाहें कर लो, लेकिन आपकी तनख्वाह नहीं कटेगी। तो 30 छुट्टियाँ करने पर भी आपको 30 दिन के पैसे पूरे मिलेंगे, उसको पेड लीव्स बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ कंपनियों की पॉलिसी होती है कि भाई मान लो आपने इस साल 30 छुट्टियाँ नहीं करी, सिर्फ 20 करी, तो कितनी बच गई आपकी, 10 बच गई। तो वो एम्प्लॉयर कहता है चलो अब आप अगले साल 40 ले लेना, क्योंकि 10 आपकी पुराने रह गई थी और अगले साल की 30 फिर मिलेंगी, तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर लो, तो सेकेंड ईयर आप 40 छुट्टियाँ हमसे पेड लीव्स ले सकते हो। तो इस तरह को बोलते हैं एक्यूमुलेटिंग। समझ आ गया एक्यूमुलेटिंग का मतलब है। नॉन एक्यूमुलेटिंग फिर ऑब्वियसली कौन से हो गए, कि भाई इस साल की अगर छुट्टी है तो आपने इस साल ली तो ठीक, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, है ना, नो कैरी फॉरवर्ड। तो इसमें आपकी छुट्टियां पेड लीव्स जो हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो इसीलिए आप देखते होंगे या तो आपने अपने घर में देखा हो या आपने कहीं आस पड़ोस में अगर देखा हो किसी रिलेटिव में, कुछ लोग कहते हैं कि यार दिसंबर आने वाला है, मुझे तो घूमने अब जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एम्प्लॉयर से छुट्टियाँ मिली हैं, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये छुट्टियाँ जो मिली हैं ये पेड लीव्स हैं, और अगर ये मैं नहीं लूँगा तो अगले साल कैरी भी नहीं होगी। तो वो आदमी सोचता है फिर छुट्टी ले ही लो ना, जब फ्री में मिल रही है पैसे भी मिलेंगे। तो ऐसा भी आप देखोगे ये होता है। तुम्हें कैसे पता? तो वो तो कुछ एग्जांपल है ना जो तुमने देखे हैं, है ना। तो बच्चा क्या है, बस एक चीज देख के कह देता है कि मोस्टली ऐसा नहीं होता। तो ये हमारी यही धारणा है, तुमने एक चीज देखी तुम कहते हो मोस्टली ऐसा नहीं होता। तो तुम्हें क्या पता मोस्टली क्या होता है, अभी हमें क्या पता क्या होता है, तो सब कुछ होता है। अच्छा बट क्लियर हो गया। तो उसका एग्जांपल लिख लो, उसका एग्जांपल जरूरी है, वो होता है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव अब ये कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, कि भाई मान लो कोई महिला जिसका अभी मैटरनिटी पीरियड चल रहा है तो 6 महीने 9 महीने का उसको छुट्टियां मिलेंगी, पेड लीव्स मिलेंगी, तो बस वो तो उसी समय मिलेंगी ना, ये थोड़ी ना वो कैरी मैंने इस साल नहीं ली अब मैं 2 साल बाद दूंगी, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। अच्छा अब जो एक्यूमुलेटिंग वाली होती हैं, है ना, जो कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, उसमें भी 2 प्रकार हैं, वो भी आप बना लो। एक को बोल देते हैं वेस्टिंग, एक को बोल देते हैं नॉन वेस्टिंग। एक को बोल देते हैं वेस्टिंग, एक को बोल देते हैं नॉन वेस्टिंग। तो वेस्टिंग का मतलब होता है, ये भी आपने देखा होगा अपने घर में शायद, अगर सुना हो कभी, वेस्टिंग का मतलब लिख लो कैश पेमेंट फॉर अनयूज्ड एंटाइटलमेंट्स, है ना, जिसको लीव एनकैशमेंट्स के नाम से शायद आपने सुना, कि भाई मेरी छुट्टियां थी मैंने नहीं यूज करी, मैं 30 दिन छुट्टी ले सकता था पर मैं फिर भी काम करने आ गया, तो एम्प्लॉयर कहता है चलो ठीक है तुम फिर इन छुट्टियों के बदले में पैसे ले लो। तो ये हो गई वेस्टिंग वाली। तो इसमें हमारे जो अनयूज्ड एंटाइटलमेंट्स हैं, मतलब जो हमारी अनयूज्ड छुट्टियां हैं, उसके बदले में हम कैश ले सकते हैं। और ऑब्वियसली नॉन वेस्टिंग वाली कौन सी हो गई, उसमें फिर ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एम्प्लॉयर कहता है छुट्टी लेनी है तो ले भाई, पैसे नहीं मिलेंगे देखते रहो। तो नो कैश पेमेंट फॉर अनयूज्ड एंटाइटलमेंट्स, तो उसमें कोई कैश पेमेंट नहीं है, तो उसमें बस छुट्टी है, छुट्टी लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो मत लो, पैसे कुछ नहीं, कैश उसको आप कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते, कि भाई आप एम्प्लॉयर को कह रहे हो कि एम्प्लॉयर देखो मैं तो आ गया काम करने तो उस छुट्टी के पैसे मेरे को दे दो कुछ एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो कोई उसमें कैश पेमेंट नहीं मिलेगी। तो मतलब ये हमारा कुछ एक छोटा सा छुट्टियों को लेकर पॉइंट था, जो बेसिकली शॉर्ट टर्म के अंदर, मतलब ये सब छुट्टी छुट्टी ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा अब इस पूरी कहानी को एक करली ब्रैकेट में कवर करना है,
मतलब जिसमें सब कुछ आ गया, जिसमें एक्यूमुलेटिंग, नॉन एक्यूमुलेटिंग, हर प्रकार की मतलब ये सब कहानी आ गई। तो इस पूरी कहानी के नीचे हमें लिखना है कि कंपनी अब देखो क्या करती है, एस्टीमेट्स द अमाउंट, कंपनी इसका अमाउंट एस्टीमेट करती है फॉर दीज एंड क्रिएट, फिर बादल में लिखेंगे। अब कंपनी पता है इन सब बातों का अनुमान पहले ही एक लगाती है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर। जैसे मान लो मुझे पता होता है लगभग लगभग कि हर साल मेरे कितने एम्प्लॉयज़ मतलब छुट्टी वाले पैसे मांगेंगे, कितने ये ले लेंगे, कितने वो ले लेंगे, तो हम एक रफ़ आइडिया लगा लेते हैं। तो कंपनी भी इन सब छुट्टियों विट्टियों वाले मतलब जो भी ये बेनिफिट्स हैं, इन सब बेनिफिट्स का एक अनुमान लगा कर रखती है कि भाई अच्छा इतने लोग ऐसे हो सकते हैं, उतने लोग वैसे हो सकते हैं, इतने लोग ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो कंपनी अपना सारे बेनिफिट्स का अनुमान लगा लेती है और क्या क्रिएट करती है, प्रोविजन। वेरी गुड, ये कीवर्ड है। और इस बस यही आपका एएस है, तो आपका एएस बेसिकली यही है। इसीलिए ये लायबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, क्योंकि कंपनी एक प्रोविजन क्रिएट कर लेती है। कंपनी कहती है ठीक है पैसा देना पड़ेगा तो अभी से प्रोविजन बना लो, तो कंपनी इसको एक लायबिलिटी की तरह मतलब प्रोविजन बना लेती है। बाकी इस पर भी एक चर्चा का विषय है कि भाई ये प्रोविजन को आप शॉर्ट टर्म कहोगे या लॉन्ग टर्म कहोगे। तो इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने वैसे ये कह रखा है कि ये केस टू केस डिपेंड करता है। तो उन्होंने सीए के ऊपर डाल रखे, कह रहा है कि आप पूरे सिनेरियो को खुद समझो जिस भी कंपनी में हो, और वहाँ पर आप खुद इस बात को देखो। अगर आपको लगता है कि भाई ये तो 12 महीने के अंदर अंदर ही बेनिफिट्स खत्म होने वाले हैं तो शॉर्ट टर्म ले लो, अगर आपको लगता है लंबे समय के होने वाले हैं तो लॉन्ग टर्म ले लो। तो ये एएस ने कुछ नहीं बोला, एएस ने कहा कि दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकते हैं। तो वो मतलब केस टू केस चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया स्टार ए। अब है स्टार बी, मतलब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो स्टार बी लिख लेते हैं हेडिंग। तो स्टार बी में लिख लेते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं 4 या 5 नंबर के मेनली, वो इसी पर बेस्ड होते हैं, जो हम अभी आगे भी फिर इसमें लिखेंगे फॉर्मूले। तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, तो इसमें दो बाइफरकेशन कर लेना आप। पहले बाइफरकेशन में लिखना डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, इसको बोलते हैं डीसीपी, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान, तो इसको क्या बोलते हैं डीबीपी। तो एक हो गया डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान और एक हो गया डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ठीक है, तो अभी बताऊंगा इसमें अगर आप एक शब्द का डिफरेंस ढूंढोगे दोनों में तो आपको क्या मिलेगा। इसमें डिफाइंड और प्लान तो दोनों में कॉमन है, कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड अलग हो गया ना, कॉन्ट्रीब्यूशन, और उसमें लिखा है बेनिफिट। तो अभी समझाता हूँ आपको। तो पहले थोड़ी सी अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान में लिखना डैश डाल के एक्चुएरियल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल ऑन एम्प्लॉई, इसको अंडरलाइन कर लेना, रिस्क फॉल ऑन एम्प्लॉई वर्ड्स को, ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लो पीएफ। और डीबीपी में लिख लेना, इसकी डेफिनेशन सिंपल है, एएस ने ज़्यादा दिमाग लगाया ही नहीं,
डीबीपी में कह दिया अदर देन डीसीपी, भाई जो ये नहीं है फिर वो है। लेकिन हाँ हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि हम समझदार हैं, तो इसमें बेसिकली एक्चुएरियल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल ऑन, बताओ कौन, फॉल ऑन के बाद क्या लिखेंगे, एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है। तो अब क्या है ये डिफरेंस वो बता देता हूँ आपको। तो दो तरह की मतलब कहानियाँ हैं। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, तो पहले मैं डिफाइंड वर्ड बता देता हूँ। डिफाइंड का मतलब होता है डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स्ड, और कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन। तो देखो इस पहले वाले प्लान में क्या होता है, एम्प्लॉयर कहता है कि भाई हम 100 रुपये पीएफ में डालेंगे, ये बात फिक्स है, हम 100 रुपये डालेंगे पीएफ में आपके नाम के, हर महीने डालेंगे और 20 साल तक डालते रहेंगे। अब 20 साल बाद उस पर कितना रिटर्न मिले, कितना ब्याज मिले, क्या पता वो डूब जाए, कुछ भी हो जाए, सरकार भाग जाए, उससे हमारी कोई टेंशन नहीं है। तो वो रिस्क किसका है, एम्प्लॉई का। लेकिन एम्प्लॉयर ने बस क्या फिक्स कर दिया कि मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, ये बात फिक्स कर दी कि भाई मैं 100 रुपये तुम्हारे पीएफ में डालूंगा, ये चीज़ फिक्स कर दी। तो ये तो हो गया पहला वाला डीसीपी। लेकिन दूसरे वाले में एम्प्लॉयर जो है वो बेनिफिट को फिक्स कर देता है, तो इसलिए नाम है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। वो कहता है देखो जब तुम 25 साल बाद नौकरी छोड़ोगे ना, तब तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा मैं। तो उसने वो बेनिफिट पहले से ही फिक्स कर रखा है, कह रहा है मैं 25 लाख दूंगा। अब मान लो बाजार के निवेश में उतार चढ़ाव की वजह से कुछ कम रह गए पैसे, तो फिर वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, मतलब ये मतलब है। तो एम्प्लॉय का वहां पे बेनिफिट फिक्स होता है, एम्प्लॉय को पता है भाई मुझे तो 25 लाख ही मिलेंगे, अब कुछ कमी पेशी रह गई तो वो एम्प्लॉयर खुद पूरी करेगा। तो बेनिफिट एम्प्लॉय का फिक्स रहता है, लेकिन जो भी रिस्क होगा वो कौन उठाएगा, एम्प्लॉयर। लेकिन पहले वाले में रिस्क कौन उठा रहा है, एम्प्लॉय। तो समझ आ गया फर्क। तो ये मतलब बस उनके डेफिनेशंस हैं या नाम है थ्योरी के लिए। तो ये 1 नंबर एमसीक्यू में कभी कभी आपसे पूछ सकता है पॉइंट। बाकी एक्चुअरियल रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क दो शब्द यहाँ पर हैं, वो थोड़े डीप मीनिंग है, तो उनकी गहराई आपके लिए अभी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ। एक्चुअरियल रिस्क का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये हमारी एक्सपेक्टेशन में कई बार चेंज हो जाता है। जैसे मान लो आज मुझे लग रहा है कि मैं आज 12 घंटे पढ़ूंगा, लेट से, ठीक है, 4 घंटे बाद मेरी एक्सपेक्टेशन कई बार चेंज हो जाती है, मुझे लगता है मैंने आज टाइम वेस्ट कर दिया, अब तो मैं 10 घंटे ही पढ़ पाऊंगा। तो अब ये जो 2 घंटे का मतलब मेरा लॉस हो गया, मेरी एक्सपेक्टेशन ही चेंज हो गई, तो वो एक्चुअरियल रिस्क हो गया। बाकी इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब ये होता है कि मान लो हमने कोई निवेश करा और ये सोचा कि इससे तो मुझे 10% रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में मिला 9%। तो इन्वेस्टमेंट पर भी हमारे को रिस्क रहता है कि हमारा रिटर्न कम हो सकता है, तो वो इन्वेस्टमेंट रिस्क हो गया। तो मतलब ये दो रिस्क हैं अलग अलग, तो वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है आपके लिए। लेकिन हाँ, जो भी रिस्क है पहले केस में एम्प्लॉई बियर करेगा, दूसरे केस में एम्प्लॉयर बियर करेगा। तो ये मतलब दो तरह के प्लान्स होते हैं, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन या डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। चलो ठीक है जी, तो मतलब ये वो दोनों स्टार ए स्टार बी की बातें भी कंप्लीट हो गई। चलो अब इसके बाद लिखना है हमको अगली मेन हेडिंग, इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, हमारे लिए ये काम आएंगे। ऊपर की जितनी बातें थी वो तो सब एमसीक्यू में या थ्योरी के अंदर की बातें हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो अब हमारे मुद्दे की हैं, वहाँ से हमारा मेन खेल शुरू होगा। तो पहला इम्पॉर्टेंट टर्म आपको लिखना है, इसका नाम है नंबर 1 प्लान एसेट्स। प्लान एसेट्स, तो प्लान एसेट्स किसे कहते हैं, इसके लिए एक ड्राइंग बना लेते हैं। एक बना लो एम्प्लॉयर, एक बना लो एम्प्लॉई। एक बना लो मटका,
मटका मतलब अभी समझाता हूँ क्या है। तो एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। मान लेते हैं इसने भी 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करे, इसने भी 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करे। मटके का मतलब हो गया, आप ऐसा समझ लो एक इन्वेस्टमेंट है। दोनों जने एक चीज़ में पैसा निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि 25 साल बाद एम्प्लॉय को फिर देना पड़ेगा ना, PF की तरह समझ लो कहानी, है ना। तो एम्प्लॉयर भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एम्प्लॉय भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट में। तो इस कॉन्ट्रीब्यूशन का नाम लिख लो, इसको कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, इनवर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। इसे कहा जाता है इनवर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है मटके में पैसे आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं पैसे, तो इसलिए नाम है इनवर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब कि हम और पैसे डाल रहे हैं इस निवेश में। तो मटके में कितना हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट बताओ, 200 रुपये हो गया। अब जब हम निवेश करते हैं किसी भी चीज़ में, तो बिना हमारे एफर्ट के उस पर फ्री फंड में बैठे बैठे ब्याज भी मिल जाता है। तो मान लेते हैं 20 रुपये का ब्याज मिल गया, +20 कर लो इंटरेस्ट, तो कितना हो गया ये मटके में, 220 हो गया। अब मान लो एक एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के चला गया बीच में, ऐसी एग्जांपल। तो अब हमें इसी मटके में से उसको पैसे देने हैं, तो हम इसी मटके में से मान लेते हैं एम्प्लॉय को 30 रुपये या 50 लिख लो, 50 रुपये पे कर देते हैं। तो जब हम मटके में से पैसा पे करते हैं, तो इसको बोलते हैं, आपको ये टर्म पता होनी चाहिए, इसे बोलते हैं बेनिफिट पेड। तो हमने 50 रुपये एम्प्लॉय को पे कर दी, बेनिफिट पेड। ठीक है, तो बस पूरा मान लो क्वेश्चन खत्म हो गया, ये पूरी कहानी खत्म हो गई। तो आज मटके में कितने रुपए बचे हैं बताओ, कितने रुपए बचे हैं, 170। तो बस इसी को प्लान एसेट्स बोलते हैं, या मतलब ऐसे बोल देते हैं कि प्लान एसेट्स मतलब ये वही मटका है, मटके का नाम प्लान एसेट्स है। और आज इसकी फेयर वैल्यू जो बची है वो कितनी बची है, 170। तो ये मतलब प्लान एसेट्स का एक छोटा सा फॉर्मूला समझ लो, या कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये प्लान एसेट हो गया। तो समझ गए प्लान एसेट तो क्या है। तो प्लान एसेट तो एम्प्लॉयर मतलब कहीं निवेश करता है, कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से बेनिफिट पे कर देता है, जो वैल्यू बचती है वो उसकी वैल्यू हो जाती है प्लान एसेट। सेकंड टर्म, एक्चुअरियल गेन और लॉस। एक्चुअरियल गेन और लॉस, तो एक्चुअरियल गेन और लॉस में छोटी सी लाइन लिखनी है, क्या है ये डैश डाल के, डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एक्चुअल पेंशन पेमेंट रिलेटिव टू एक्सपेक्टेड पेमेंट। तीन वर्ड्स को हाईलाइट कर लो, डिफरेंस, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। तो डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एक्चुअल पेंशन पेमेंट रिलेटिव टू एक्सपेक्टेड पेमेंट। आप एग्जाम देकर आए, आपको लगता था मेरे 95 आएंगे और आ गए 85 एक्चुअल में, तो आपका 10 का लॉस हो गया। बस वही एम्प्लॉयर के साथ हो रहा है, उसे लग रहा है कि मैं शायद 1 करोड़ पे करूंगा, लेकिन एक्चुअल में उसने पे करे सिर्फ 80 लाख, तो 20 का फ़ायदा हो गया, या ज़्यादा पे कर रहे हैं पड़ गए एक्चुअल में, तो लॉस हो गया। तो मतलब एक्चुअरियल गेन या लॉस मतलब ये मतलब होता है। हाँ, अब इसका करना क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी 1 नंबर का MCQ पूछ लेता है। तो इसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है कि जो भी फ़ायदा या लॉस होगा उसे हम कहाँ रिकॉग्नाइज कर लेंगे, अपने PNL अकाउंट में इन सेम ईयर। तो ये आप लिख लो, तो फायदा या नुकसान जो भी होगा उसको अपने PNL में एज ए गेन या एज ए लॉस रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो ये हम क्वेश्चन में देख लेंगे जब आएगा, तो एक छोटा सा ही पॉइंट है। उसके बाद नंबर 3,
नंबर थ्री का नाम है पास्ट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट। तो इसमें लिख लो पहले, इसका मतलब है चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ड्यू टू एनी चेंज, ड्यू टू एनी चेंज। तो इसमें कीवर्ड्स हो गए चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू और एक ऑब्लिगेशन, ये वर्ड अच्छे से याद रखना है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लाइबिलिटी, है ना, लेकिन वो टर्म यहाँ पर ऑब्लिगेशन यूज़ किया जाता है। तो चार शब्दों को आप कंबाइन करके पढ़ना, कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो इसका मतलब एक तरह से वो ये कि कंपनी जो मान के चल रही है कि हमें अपने एम्प्लॉई को बाद में पे करना है, ये लाइबिलिटी है मतलब, है ना। तो अगर मान लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू में कोई चेंज हो जाए किसी भी रीज़न से, अब प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है वो बता देता हूँ, वो तो आप होशियार हो भाई, हम तो आज खड़े हैं यहाँ पर और मुझे एम्प्लॉई को पैसे कब देने, 25 साल बाद। तो मान लो मैं सोच रहा हूँ कि 25 साल बाद मुझे 30 लाख रुपए देने, तो 30 लाख की आज की प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लोगे, वो तो आपको आता ही है, डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा होगा, तो उसकी मान लो आज की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 10 लाख, ठीक है। अब लेकिन कुछ चेंज हो गया, लेट से कुछ भी चेंज हो गया, डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज हो गया, या चार एम्प्लॉय नौकरी से छोड़ के चले गए, या मेरी सोच चेंज हो गई, कुछ भी चेंज हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, लेट से वो प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख की बजाय रह गई 8 लाख, या ज़्यादा हो गई मान लो 12 लाख, कुछ भी हो गई, तो बस इसको बोलते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट। तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू में परिवर्तन हुआ किसी भी कारण की वजह से, उसको बोल देते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट। तो देख लो डेफिनेशन समझ आ गई, चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी ऑब्लिगेशन। तो अगर कंपनी के जो कंपनी की जो ऑब्लिगेशन है, मतलब कंपनी का जो लाइबिलिटी है, उसमें अगर कोई प्रेजेंट वैल्यू में चेंज आ गया तो वो है पास्ट सर्विस कॉस्ट। फिर इसके नीचे अगला फोर्थ पॉइंट लिखना, ये कोई टर्म नहीं है, ये एक मतलब कहानी है जो हम क्वेश्चन में भी थोड़ा सीखेंगे, लेकिन लिख लो, इसका नाम है अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी। यानी कि हम कितना लायबिलिटी शो करेंगे, तो इसमें आप लायबिलिटी वर्ड को ब्लॉक बना लेना कि भाई आप कितने रुपए को अपनी लायबिलिटी शो करोगे, अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी। तो अभी फॉर्मूला लिख लो, बाकी हम समझेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो इसका फॉर्मूला है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, यानी कि जो भी प्रेजेंट वैल्यू है हमारे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की। तो ये लाइन समझ आ रही है वैसे क्या लिख रहे हैं हम, कि वही जो अभी ऊपर समझाई कि जो हमारी ऑब्लिगेशन होगी भविष्य में उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू, उसमें माइनस करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स एट बैलेंस शीट डेट। अब उसमें से फेयर वैल्यू हम अपने प्लान एसेट्स की माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे मटके में पड़ा हुआ है तो इतना हमारे पास ऑलरेडी है। भाई मान लो मुझे लायबिलिटी लग रही है कि होगी आज 10 लाख की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लग रही है 10 लाख, लेकिन आज मेरे निवेश में 3 लाख पड़े हुए हैं, तो मेरे को 3 लाख तक तो मैं सेफ हूँ ना, तो मतलब अब मुझे प्रोविजन खाली 7 का बनाना चाहिए। ये मतलब है कि मान लो मेरे को लग रहा है कि मेरी ऑब्लिगेशंस होंगी 10 लाख की और 3 लाख के मेरे पास ऑलरेडी एसेट्स हैं, तो मैं खाली कितने की और प्रोविजन बनाऊंगा, 7 लाख की। तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से कहना चाह रहा है, और माइनस पास्ट सर्विस कॉस्ट
नॉट रिकॉग्नाइज्ड, पास्ट सर्विस कॉस्ट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये क्वेश्चन में दिया होगा तो ही करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब कभी कभी मान लो हमारी पास्ट सर्विस कॉस्ट जो ऊपर पढ़ा कि मान लो कुछ प्रेजेंट वैल्यू में परिवर्तन हो गया और उस वजह से कुछ कमी हो गई, तो उतने रुपए की कमी भी माइनस कर देंगे। तो ये मतलब इफ एनी लिख देते हैं चाहे कि भाई अगर होगी तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये मतलब हम एक क्वेश्चन में सीख लेंगे एक पॉइंट कि कैसे लायबिलिटी निकाल रहे हैं। उसके बाद जी नंबर 5, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसका नाम है कर्टेलमेंट, CURTAILMENT, कर्टेलमेंट। तो कर्टेलमेंट वर्ड का मतलब पता है आपको? इंग्लिश वर्ड है वैसे तो, नॉर्मल मतलब इंग्लिश मीनिंग अगर किसी को पता हो तो थोड़ा सा और बेहतर करो, वो भी सही है वैसे तो। तो कर्टेलमेंट का वैसे मतलब होता है, डिक्शनरी में जाके आप चेक करोगे तो इसका मतलब होता है काट छांट, है ना अंजलि जी सर्च कर रही हैं? तो कर्टेलमेंट का मतलब होता है काट छांट। बाकी यहाँ पर क्या रेफरेंस है वो लिख लो, कर्टेलमेंट का मतलब है रिडक्शन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट प्लान। रिडक्शन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो इसको समझाने के लिए ऐसे एक एग्जांपल भी आप बना लो, ड्राइंग बना लो चाहे। तो मान लो भाई मेरी कंपनी के बहुत सारे अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये सब मेरी कंपनी के अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स हैं भाई, कोई कुछ है, कोई रिटेल है, कोई जूते हैं, कोई कपड़े हैं, अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स हैं। और अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में भाई बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है जी। अब मैंने कह रखा है भाई सबको मैं बेनिफिट दूंगा, भविष्य में सबको पेंशन मिलेगी, लेट से। अब अचानक से कुछ भी ऐसा हुआ कि मेरा एक बिजनेस सेगमेंट बंद हो गया, तो अब क्या इन लोगों को अब मैं बेनिफिट दूंगा? मतलब वो मान लो दे दूं वो अलग की बात है, लेकिन मान लेते हैं नहीं दूंगा, तो इनको मैंने बेनिफिट से बाहर कर दिया। मैंने कहा भैया अब देखो बिजनेस बंद हो गया है, इधर का तो सेगमेंट बंद हो गया एक, तो अब आपको अब हम बेनिफिट से बाहर कर रहे हैं। तो जब हम ऐसी काट छांट करते हैं कुछ एम्प्लॉयज़ को, मतलब हम कम कर देते हैं और कंपनी के अपने डिफाइंड बेनिफिट प्लान से वो बाहर हो जाते हैं एम्प्लॉयज़, तो इसको बोलते हैं कर्टेलमेंट, है ना। तो कर्टेलमेंट का मतलब ये, तो समझ गए मतलब क्या है। मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि नौकरी से निकाल देना, या नौकरी से नहीं भी निकाला एटलीस्ट बेनिफिट से बाहर कर दिया, तो ये हो गया कर्टेलमेंट। तो अब इससे होगा क्या सर? तो लिखो सेकेंड एरो में, इससे होगा जी कर्टेलमेंट गेन, गेन कर्टेलमेंट गेन्स होगा सर। तो अब आप बताओ कैसे होगा कर्टेलमेंट? हाँ, पहले हमने लायबिलिटी बना रखी होगी 8 लोगों के हिसाब से, आज 2 भार कर दिए तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई ना, हाँ, तो ये वो गेन है कर्टेलमेंट गेन। तो लिख लेते हैं, इसका एक फॉर्मूला है रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन, है ना, मतलब हुई कि भाई मेरी ग्रॉस ऑब्लिगेशन में जो भी रिडक्शन हुआ वो मेरा फ़ायदा हो गया। तो मान लो पहले मेरी ऑब्लिगेशन लेट से ऐसी बोल रहा हूँ थी 5 करोड़ की, अब रह गई 4 करोड़ की, तो मेरा कितना फ़ायदा हो गया? 1 करोड़ का। तो इसकी अंग्रेजी बन गई रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन, कि भाई जितना रिडक्शन हुआ मेरे ऑब्लिगेशन में, मेरी लाइबिलिटी में, उतना मेरा फ़ायदा हो गया। लेकिन जब हम कर्टेलमेंट करते हैं तो बेचारे अब वो लोग तो फिर ऐसे हड़ताल करते हैं, जो 2 लोग निकल गए वो कहते हैं हम फैक्ट्री में आग लगाने आ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि चलो आप चिंता मत करो, आपको हम कुछ थोड़ा बहुत दे देंगे, ये लो आप 2 लाख ले लो। तो हो सकता है हमें कुछ देना पड़ जाए लेट से, तो वो फिर हमारे गेन को क्या कर देगा?
कम कर देगा, तो वो लिख लेते हैं माइनस, इसको बोला यह जाता है, इसकी अंग्रेजी होती है अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ ऑब्लीगेशन। ये क्वेश्चन हमें खुद दे देगा, तो आपको ज़्यादा मतलब चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये हमारे गेन को कम कर देता है भाई, क्योंकि थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हमें देने भी पड़ सकते हैं, तो वो हमारे गेन को ओवरऑल कम कर रहा है, तो बाकी जो भी वैल्यू आएगी नेट वो हमारा गेन हो गया। तो इसको बोलते हैं कर्टेलमेंट, और कर्टेलमेंट पे भी एक छोटा क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछ लेता है, कर्टेलमेंट गेन निकलवा सकते हैं, है ना, तो वो भी हम क्वेश्चन में करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कर्टेलमेंट पॉइंट नंबर 5। और टर्म नंबर 6 है करंट सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, लिख लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो ये तो एक छोटा सा टर्म है, तो सीधा क्वेश्चन में आप देख लोगे जो भी हमारी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन होगी उसकी आज की वैल्यू को कहते हैं करंट सर्विस कॉस्ट, कि भाई आज की करंट सर्विस कॉस्ट। और नंबर 7 लास्ट टर्म है इंटरेस्ट कॉस्ट, ब्रैकेट में आप लिख लो ईयरली, हर साल का ब्याज का खर्चा, इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ सर्विस कॉस्ट, ब्रैकेट में लिख लेना क्यूमुलेटिव। तो ये हम हर साल कैलकुलेट करते रहते हैं, जो भी उस साल का ओपनिंग बैलेंस होता है सर्विस कॉस्ट का, उस पर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहते हैं, हर साल करते रहते हैं, तो ईयरली मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहते हैं। तो ये भी मतलब आप ऐसे लिख सकते हो रिफर क्वेश्चन, तो ये भी हम क्वेश्चन में भी सीख लेंगे, करंट सर्विस कॉस्ट भी क्वेश्चन में भी सीखेंगे, तो इनके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिससे हम ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए हमें ये बातों को ध्यान रखना है जो हमने ये इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हैं, तो एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं पर बेस्ड होगा। तो प्लान एसेट्स पता होने चाहिए, एक्चुअरियल गेन या लॉस तो चलो दे ही रखा होगा, पास्ट सर्विस कॉस्ट भी दे रखी होगी, बाकी फोर्थ पता होना चाहिए, ये पूछ लेता है कि आप कितने रुपये का प्रोविजन या लाइबिलिटी बनाओगे, कर्टेलमेंट तो पता चल गया आपको, गेन कैसे निकालना है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और करंट सर्विस कॉस्ट पूछ सकता है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं या इंटरेस्ट निकाल सकता है, निकलवा सकता है ईयरली। ठीक है ना, चलो तो इसको तो आप मतलब ऐसे लाइन लगा दो, ये तो हो गई लिखने वाली बातें। तो अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन इसके करके आपको चीज़ें सिखाते हैं कि ये अप्लाई कैसे करनी है। चलो तो सबसे पहले हम ये वाला इलस्ट्रेशन करेंगे डिस्कस आपके साथ, तो आप बस ऐसे लिख लेना इलस्ट्रेशन 7। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, 100% लिख लो, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक, चलो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। इसमें कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2001 द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स वॉज 1,00,000 रुपये इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन प्लान ऑफ जीलेस लिमिटेड। ठीक, तो बस आप सुनते रहना, आप कुछ लिखना मत, तो मैं हर बात आपको समझाने के लिए बनाता रहता हूँ। तो 1 अप्रैल 2001 को हमारे पास मतलब एक प्लान एसेट्स हैं। ठीक है, तो प्लान एसेट्स के लिए मटका बना लिया, और जिसकी फेयर वैल्यू कह रहा है कितने रुपये है, 1,00,000। इसका मतलब है कि मटके में अभी कितना निवेश है हमारा, 1,00,000 का। ठीक है, 1 अप्रैल को। फिर लिखा है ऑन 30 सितंबर 2001 द प्लान पेड आउट बेनिफिट्स ऑफ 19,000 एंड रिसीव्ड इनवर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 49,000। तो ये दो टर्म्स आपको सिखाए थे, वो यहां बना देता हूं। तो कह रहा है 30 सितंबर को अब दो बातें हुई,
पहले तो कह रहा है 19,000 के बेनिफिट पेड हुए, तो पेड का मतलब क्या बताया था कि मटके से पैसा बाहर हो गया, है ना, क्योंकि 19,000 के बेनिफिट तो पे हो गए। और कह रहा है लेकिन इनवर्ड कंट्रीब्यूशन हुआ 49,000 का, तो इनवर्ड कंट्रीब्यूशन क्या बताया था कि मटके में और पैसा आ गया 49,000 का। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि नेट चेंज क्या हो गया मटके के अंदर, एक तरह से मटके में 30,000 रुपये और आ गए टेक्निकली, है ना, ये कहा जा सकता है कि इस मटके में 30,000 रुपये और आ गए। तो मतलब यहाँ अगर मटका आप देखें तो मटके में हो गए 1,30,000। तो भाई आप सहमत हो गए जी 30 सितंबर की कहानी से? ओके चलो। तो वैसे बनानी नहीं है ड्राइंग, लेकिन चलो बच्चे लगे हुए हैं ड्राइंग बनाने में, आप भी बना लो। फिर कह रहा है ऑन 31 मार्च 2002, ठीक है, पहले क्वेश्चन पे फोकस करना, द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स वॉज 1.5 लाख, बस कट, आगे नहीं पढ़ रहे अभी। कह रहा है 31 मार्च 2002 को, मतलब ये जब साल ख़त्म हुआ 31 मार्च 2002 को, जब ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ, तो कह रहा है हमारे प्लान एसेट्स में की फेयर वैल्यू है 2 लाख रुपए। प्लान एसेट्स की फेयर वैल्यू क्या है? 2 लाख रुपए, यही दे रखी है शायद, अच्छा सॉरी 150, सॉरी सॉरी 150 दे रखी। तो कह रहा है हमारे प्लान एसेट्स की फेयर वैल्यू है 1,50,000। ओके पहले यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, बाकी बातें बाद में करूंगा। अभी लास्ट लाइन में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स। तो मैं पहले आपको एक्चुअल रिटर्न निकालना सिखाता हूँ, वेरी 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 इजी, कि एक्चुअल रिटर्न क्या है हमारे प्लान एसेट्स पे। तो जैसे बचपन में हम वो कैपिटल वाले क्वेश्चन करते थे, प्रोपराइटर वाले, तो आप उसकी तरह सोचना, ठीक है। मैं प्रोपराइटर बन जाता हूँ, मेरे पास ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख की, राइट, ठीक है, फिर मैं 30,000 एडिशनल कैपिटल लाया और वो हो गई 130 की, मान लो, ठीक है, 130 की, और क्लोजिंग में कैपिटल है 150 की, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं बताओ हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो कितना प्रॉफिट कमाया? 20,000, लॉजिकल है, क्योंकि हमारा मटके के अंदर 130 था लेकिन क्लोजिंग में बढ़कर वो 150 हो गया, तो इसका मतलब हमने बीच में कितना कमा लिया? 20,000। तो एक्चुअल रिटर्न का यही मतलब होता है कि भाई एक्चुअल रिटर्न हमने क्या कमाया है? 20,000 कमाया है। तो क्लियर हो गया एक्चुअल रिटर्न सबको, पहले इतना समझ आ गया? चलो तो अब इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आप चाहे बाद में बना लेना ड्राइंग, ये तो अभी हम दोबारा आएंगे, तो पहले एक्चुअल रिटर्न लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो ऐसे एक हेडिंग सी डाल लेते हैं कि भाई कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रिटर्न। तो बहुत सिंपल है हमारा कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रिटर्न, उसकी इंग्लिश ऐसे लिख लेते हैं कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2001, ये हमें गिवन है 1 लाख। ठीक है, फिर हमने क्या करा, प्लस इसको किस चीज़ ने बढ़ाया? इनवर्ड कंट्रीब्यूशन -49,000 माइनस बेनिफिट, उसमें से हमने कितने पे कर दिए थे? 19,000। तो एक तरह से हमारा मतलब कह सकते हैं कि फेयर वैल्यू बच गया ऑफ प्लान एसेट्स 30 सितंबर को 1,30,000। तो यहां तक पहुंच गए पहले, ओके। फिर फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स ऑन 31 मार्च 2002, ये उसने हमें दे रखा है कि भैया क्लोजिंग में हमारे प्लान एसेट्स हो गए 150 के, ये गिवन है। तो बस लास्ट लाइन में आंसर आ जाएगा, देयर फोर एक्चुअल रिटर्न, इसका मतलब हमारा रिटर्न कितना आ गया? 20,000।
है ना, 150 माइनस 130। तो सबको क्लियर हो गया लॉजिकली। तो ये एक्चुअल रिटर्न तो ऐसे निकल जाता है कि भाई हमारे एसेट्स में कितनी बढ़ोतरी हो गई, तो हमारे एसेट्स में 20,000 की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं निकालना सिखाया, उसको अभी अलग बताता हूँ, बट पहले एक्चुअल रिटर्न क्लियर हो गया। चल अब हम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, फिर दूसरा जो रिटर्न निकालना है वो भी फिर सीख लेंगे। तो एक्चुअल रिटर्न तो ये हो गया। अब मैं वापस जा रहा हूँ क्वेश्चन पर। चलो अब उसने आगे कुछ बातें दे रखी हैं, वो पढ़ते हैं। अब वो कह रहा था आगे, यहाँ से पढ़ना, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन वॉज 147,920। तो जाओ अपने नोट्स में चेक करो, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की प्रेजेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ बस आपकी नॉलेज के लिए। वेरी गुड, करंट सर्विस कॉस्ट। दिख गया, इंपॉर्टेंट टर्म में लिखवाया था ना, क्या था करंट सर्विस कॉस्ट का फॉर्मूला, कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, है ना। तो ये वो है, और उसी के आगे अगली लाइन में दे रखा है, एक्चुअरियल लॉसेस ऑन ऑब्लिगेशन फॉर द ईयर 2001-02 वर 600 रुपये। और एक्चुअरियल लॉसेस कितने दे रखे हैं, 600 रुपये। तो पहले ये दोनों टर्म दिख गए आपको नोट्स में कहाँ पर थे, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है, ऑन द 1 अप्रैल 2001 द कंपनी मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन इट्स मार्केट स्टडीज। तो कह रहे हैं 1 अप्रैल को अब कंपनी ये अनुमान लगा रही है, देखो ये अनुमान कह रहा है, 1 अप्रैल को मतलब साल के बिल्कुल स्टार्टिंग में कंपनी ने अनुमान लगाया है। अब ये जो नीचे की टेबल होती है आपके लिए बेकार होती है, कह रहा है इंटरेस्ट ये मिलेगा 9.25%, ये होगा तो फिर 2%, फंड का खर्चा आ गया 1% लेस कर दिया, तो हमें इस पर वाइटनर पोतना है, हमें कोई मतलब नहीं है ये सब बातों से। हमारे मुद्दे की बात तो ये है, लास्ट लाइन पढ़ो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10.25% पर एनम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि साल के स्टार्टिंग में कंपनी को ये लग रहा है, 1 अप्रैल वाले दिन कंपनी ये सोच रही है कि भाई हमें अपने निवेश पर कितना रिटर्न मिलेगा, 10.25% ये लग रहा है कंपनी को। तो बस सेकंड पोर्शन जो उसने बोला कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि भाई कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ क्या है, तो वो हम निकालते हैं, वो भी हम बचपन में करते थे। देखो उसके लिए मैं चाहे दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, या इसी पे समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, अब हमारे कंपनी के आप ओपनिंग में देखो कितने मतलब फंड थे, कितना एसेट था वैल्यू, 1,00,000। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक तो 1,00,000 रुपए चलते रहे कंपनी के फंड में। फिर उसके बाद फंड में कुछ बढ़ोतरी घटोतरी हुई और नेट नेट 30,000 बढ़ गए, और उसके बाद कंपनी का फंड कितना बन गया, 1,30,000। तो अगले 6 महीने कंपनी का कितना फंड चलता रहा एक तरह से टेक्निकली, 1,30,000। तो जैसे हम बचपन में पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते थे कि भाई ओपनिंग में अगर 1,00,000 है 6 महीने तक, उसके बाद वो चेंज हो गया, अब हो गया 130, फिर अगले 6 महीने 130 पर, तो हम इस प्रकार से उसका रिटर्न निकाल सकते हैं। और रेट उसने दे रखा है 10.25। समझ गए बात क्या है, रेट कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट। तो आओ, तो मैं डायग्राम हटा देता हूँ। तो अब हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं जैसे बचपन में निकालते थे, तो आपकी कैलकुलेशन बन जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ओपनिंग में हमारे पास प्लान एसेट था 1,00,000 का, ठीक है। तो 1,00,000 रुपए का आप 10.25% निकाल लो 6 महीने का, 125, ठीक है, प्लस फिर फंड वैल्यू चेंज हो गई थी,
फिर हो गई थी बढ़कर 1,30,000। एक लाख तीस हजार का आप 10.25% निकाल लो 6 महीने का, 666। 1,6 और आएगा, अच्छा 666 2.5। ओके, तो इन दोनों को जोड़ लो, 11,787.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चेंज नहीं हो गई थी वैल्यू, दोबारा समझाऊं? हाँ, और क्या, ओपनिंग में हमारे पास कितना था? 1 लाख था। अब वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 6 महीने बाद 30,000 रुपये इसमें और आ गए, तो इस मटके में कितने बन गए? 130। और फिर हमारा साल ख़त्म हो गया। ये तो हम बचपन में भी तो करते थे ना, ओपनिंग कैपिटल्स होते थे पार्टनर्स के, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला, फिर चेंज हो गया, फिर अगले 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला। तो बोलो जी, समझ आ गई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट हुआ? ओके, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक एजम्पशन मेंशन कर देना, वो ज़रूरी है कि वी हैव एज्यूम्ड, हमने एज्यूम करा है 10.25% को सिंपल इंटरेस्ट, हमने इस पर कंपाउंडिंग नहीं करी। तो ये मेंशन कर दो, क्योंकि आईसीआई के सॉल्यूशन में, बुक में अगर आप देखोगे तो उन्होंने कंपाउंडिंग के हिसाब से फिर इंटरेस्ट निकाल रखा है। लेकिन आप उसमें नोट पढ़ लेना, बुक में भी दे रखा है कि हम उस कंपाउंडिंग को इग्नोर कर सकते हैं एंड सिंपली भी निकाल सकते हैं, तो बेटर है सिंपली ही निकाल लेते हैं ताकि लॉजिकली यूनिफॉर्म रहे आंसर, है ना, कंपाउंडिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्लियर हो गए दोनों, एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न। चलो अब एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी का आपको दूंगा करने के लिए, फिर आप सॉल्व करके बताना। चलो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपकी किताब का, वो करते हैं एक बार, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर आप कैलकुलेटर तैयार रख के सॉल्व करना जल्दी से। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स ऑफ अनुपम लिमिटेड वॉज 2,00,000 रुपये इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट पेंशन प्लान ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, तो नीचे मटका बना देता हूँ आपके लिए। तो 1 अप्रैल वाले दिन हमारे पास प्लान एसेट्स हैं 2,00,000 रुपए के। फिर कह रहा है ऑन 30 सितंबर प्लान पेड आउट बेनिफिट्स ऑफ 25,000। तो 25,000 मटके से बाहर चले गए एंड रिसीव्ड इनवर्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ 55,000, और 55,000 मटके में आ गए 30 सितंबर को। तो देखो भाइयों बहनों, फिर से वही कहानी हो गई। तो 30 सितंबर को 25,000 मटके से बाहर चले गए, 55,000 रुपए मटके में आ गए, तो मटके में कितना बन गया? 230। ठीक है जी। फिर कह रहा है ऑन 31 मार्च 2002 द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स वॉज 3,00,000। तो साल के एंड में कह रहा है कि 31 मार्च को प्लान एसेट्स की फेयर वैल्यू 3,00,000 बता रहा है। तो एक्चुअल रिटर्न तो आपको पता ही चल गया। तो भाई सबको क्लियर? ठीक है, तो ये आप लिख लो, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका मतलब एक्चुअल रिटर्न हो गई हमारी 70,000 रुपए की। ठीक है, बाकी प्रेजेंट आप वैसे ही कर सकते हो जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, है ना, वो तो मैं मान रहा हूँ। तो मेन मुद्दा था आंसर निकालने का। ठीक है, तो 70,000 हो गया एक्चुअल रिटर्न। तो कोई भी डाउट तो नहीं है अब। फिर कह रहा है उसके बाद ऑन 1 अप्रैल द कंपनी मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन इट्स मार्केट स्टडी। कंपनी ने कुछ एस्टिमेट करे हैं कि भैया ये होगा ये परसेंट, ये होगा ये परसेंट, ये खर्चे का परसेंट, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली उसने कह दिया कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10.25%। तो कह रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो 10.25%।
तुम निकालो। 1,250 और 11,785। ठीक है, मतलब अलग अलग। तो 2 लाख रुपए ओपनिंग में था, उसका 10.25% 6 माह का। तो एक बार ये बताना कितना आएगा? 10,250। ठीक है, तो ये आ गया 10,250। और फिर क्लोजिंग में कितनी हो गई वैल्यू? 230। ठीक है, तो उसका मैं भी निकाल लेता हूँ, एक सेकंड चेक हो जाएगा। 230, तो 230 का सुपर 10.25% 6 महीने का है, तो कितना आ रहा है? ठीक है, मतलब अप्रॉक्स है। ठीक है, 11,787.5। ठीक है, तो टोटल आपका आ गया 22,037.50। ठीक, सही आ रहा, तो यही आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो क्लियर हो गया खेल। चलो, तो ये आपके देखो एग्ज़ाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको निकालना है एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, तो अगर आपको बस फॉर्मूला याद है तो 5 नंबर बड़ी इजीली आ जाएंगे। डिफरेंस होता है क्योंकि कितनी बढ़ोतरी हुई उसको हम मानते हैं, इसका मतलब ये हमारा रिटर्न आया है एक्चुअल रिटर्न। और एक्सपेक्टेड रिटर्न तो हम साल के शुरू में निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज जो दे रखी है। ठीक है, तो मतलब कैसे भी रट लेना, जैसे आपको अच्छा लगे, बट आंसर निकल गए क्लियरली। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जी। अब अगली वैरायटी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप 2 सितारे और इस पर भी लिख लो 100%, ये तो ज़रूर करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आपका कवर होगा। अब इसमें दे रखा है, रॉकस्टार लिमिटेड डिसकॉन्टिन्यूज अ बिजनेस सेगमेंट। तो एक कंपनी है रॉकस्टार लिमिटेड, उसने अपना एक बिजनेस सेगमेंट डिसकॉन्टिन्यू कर दिया। उसके बाद जो यहाँ अंडर से लेकर यहाँ तक की ये स्टोरी दे रखी है, ये कहानी दे रखी है एक बहुत बड़ी सी, जिसको मैं ब्रीफ में सार सुना देता हूँ, घर में फुर्सत से आप पढ़ लेना कभी बोर हो रहे हो तो। वो ये कह रहा है कि भाई अब इन्होंने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया नौकरी से, क्योंकि एक बिजनेस सेगमेंट बंद हो गया, तो जिसके चलते हुए जो पहले इनकी ग्रॉस ऑब्लिगेशन थी वो अब थोड़ा कम हो जाएगी और ये अपने मतलब उसमें चेंजेस लाएंगे। तो मतलब ये वो कहानी है जो कर्टेलमेंट वाली, अगर आपको याद हो, ये समझ गए कर्टेलमेंट का मतलब, इन्होंने वो सब ड्रामा दे रखा है, तो इससे ये आप मतलब इग्नोर मारो। क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है मेनली, कि अब हमें तो मुद्दे की बात बताओ भाई। तो अब देखो धीरे धीरे, यहाँ से धीरे धीरे पढ़ना। रॉकस्टार लिमिटेड एस्टिमेट्स द शेयर ऑफ अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट्स टू द पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन एट 18 रुपये। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। अब रॉकस्टार लिमिटेड को लग रहा है कि अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट का जो हिस्सा हम इस ऑब्लिगेशन से रिलेट कर सकते हैं वो है 18 रुपये का। अब ये क्या मतलब है? इसका मतलब है जो मैंने आपको जब स्टोरी सुनाई थी कि कंपनी ने अब कुछ लोगों को तो निकाल दिया भाई, बेनिफिट से बाहर कर दिया, लेकिन कंपनी को लग रहा है कि भाई देखो 18 रुपये मुझे फिर भी इन लोगों के ऊपर खर्च करने पड़ सकते हैं, इन्हें देने पड़ सकते हैं। तो ये कंपनी ने एक पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन की तरह ट्रीट कर लिया इस सर्विस कॉस्ट को, कंपनी ने माना है कि ये मुझे पे करने पड़ जाएंगे। तो कंपनी के लिए एक तरह से हो गया कि भाई कंपनी मान के चल रही है कि हमें 18 रुपये तो पे करने पड़ जाएंगे, ये वो हो गई कहानी। ठीक है, ब्रैकेट छोड़ो अभी 10% वाला। अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट एंड लाइबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। इसमें दो चीज़ें निकालनी है इन द बैलेंस शीट ऑफ रॉकस्टार लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। ये धीरे धीरे पढ़ना। ए
इमीडिएटली बिफोर द कर्टेलमेंट ग्रॉस ऑब्लिगेशन इज एस्टिमेटेड एट 6,000 रुपये. कह रहा है कर्टेलमेंट से पहले हमारी ग्रॉस ऑब्लिगेशन जो थी वो हमें लगती थी 6,000 रुपये है ना, तो वो हमारी लाइबिलिटी पहले हमें 6,000 लगती थी. बी में कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स एज ऑन द डेट इज 5,100. हमारे पास जो प्लान एसेट्स हैं वही मटके, उसकी वैल्यू एसेट्स की वैल्यू है 5,100 फेयर वैल्यू. ठीक है. सी में कह रहा है अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट इज 180. कह रहा है हमारी जो अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट है वो है 180 की. अब मैं आपको लिंक दिखा दूँ, बड़े ध्यान से देखना. तो जो हमारी अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट है हमने उसका 10% पता है कहाँ एलोकेट कर दिया, हमने उसका 10% इस खर्चे में एलोकेट कर दिया. जिन लोगों को हमने निकाला हमने सोचा कि अब इन्हें 18 रुपये देने पड़ेंगे, तो अब वो ब्रैकेट में देखो क्या दे रखा है, 10% ऑफ 180. तो समझ गए, ये जो अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट दे रखी है 180, इसका 10% हमने कहाँ एलोकेट कर दिया कि भाई ये तो हमें निकाले हुए एम्प्लॉयज को शायद देना पड़ेगा, उस ऑब्लिगेशन में एलोकेट कर दिया. तो एक बार यहाँ लिख देता हूँ कि रिमेनिंग कितना बच गया अनअमोर्टाइज्ड, बताओ 162. तो ये बात मतलब हमारे लिए यूजफुल रही. तो क्लियर हो गया पहले यहाँ तक. और फिर डी में उसने खुद ही कह दिया, आपके मजे आ गए, कह रहा है कर्टेलमेंट रिड्यूसेस द ऑब्लिगेशन बाय 600 रुपये विच इज 10% ऑफ ग्रॉस ऑब्लिगेशन. ठीक है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है. तो कह रहा है कर्टेलमेंट की वजह से हमारी ऑब्लिगेशन घट गई, कितने रुपए से घट गई, 600 रुपये से घट गई. ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं गेन ऑन कर्टेलमेंट. तब तक आप नोट्स में फॉर्मूला चेप लो, देखकर मैं भी चेप लेता हूँ आपसे पूछकर. तो गेन ऑन कर्टेलमेंट का फॉर्मूला बताओ. ठीक है, तो एक तो लिख लेते हैं रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन, और माइंड में मीनिंग भी लेके चलना साथ साथ दोबारा से. इसका मतलब था कि हमारी लाइबिलिटी कितनी कम हो गई है ना, मतलब हमारा फायदा हो गया. लेकिन माइनस क्या करवाया था, हाँ, अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट रिलेटेड टू, ऐसे लिख लेते हैं ऑब्लिगेशन लिख लेते हैं शॉर्ट में, हाँ प्रॉफिट ही होगा भाई, लाइबिलिटी कम हो रही है ना, प्रॉफिट ही होगा, गेन ही होगा कर्टेलमेंट में. तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमने लोगों को नौकरी से निकाला और ज़्यादा लोग बेनिफिट के आ गए, अंदर आ गए, तो गेन ही होएगा मेनली. तो अब देखो कर्टेलमेंट की वजह से कितना रिडक्शन हुआ हमारे ऑब्लिगेशन में, कितना दे रखा है देखो 600 है ना, दे रखा है लास्ट लाइन में कि भाई कर्टेलमेंट रिड्यूसेस द ऑब्लिगेशन बाय 600 है ना. तो ये गिवन है एक प्रकार से कि रिडक्शन की वजह से अब हमारी लाइबिलिटी 600 रुपये कम हो गई. मतलब इसको आप ऐसे भी लिंक कर लो कि पहले लाइबिलिटी 6,000 थी, अब हो गई 5,400 है ना, तो हमारी लाइबिलिटी में 600 का रिडक्शन आ गया, तो ये हमारा फ़ायदा हो गया. लेकिन हमने कितने रुपए की सर्विस कॉस्ट मानी थी कि भाई ये देनी पड़ेगी, ये हमारे को खर्चा इसी ऑब्लिगेशन को मतलब हमने रिलेट कर लिया था 18 रुपए है ना. वो ऊपर की अंग्रेजी है कि शेयर ऑफ अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट्स टू द पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, कि 18 रुपए हमने मान लिए थे कि भाई वो इसी ऑब्लिगेशन का पार्ट है, इसी का खर्चा है, तो ये हमारे गेन को कम कर देगा. तो कितना आ गया गेन 582. तो क्लियर हो गया. तो ये तो आ गया गेन ऑन कर्टेलमेंट. तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल. अब दूसरा पूछ रहा था, वो हेडिंग डाल दें, दूसरा उसने पूछा था कि दूसरी चीज कैलकुलेट करो लाइबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट. तो यही हेडिंग डाल देते हैं Liability to be recognized
आफ्टर कर्टेलमेंट। कह रहा है अब ये बताओ कितना प्रोविजन दिखाओगे या कितनी लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाओगे कर्टेलमेंट के बाद। तो इसका नोट्स में फॉर्मूला बताओ, देखो वहाँ से। पहले वही लिखता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, पॉइंट नंबर शायद 4 या 5 में से कोई होगा या 6 होगा शायद। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, हाँ, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स माइनस अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट। तो पहले ये चेप लेते हैं, फिर दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, यानी कि इसका मतलब एक तरह से है कि आज कितनी ऑब्लिगेशन है हमारी। आज प्रेजेंट वैल्यू का मतलब हो गया आज की वैल्यू, है ना, टुडे, कि आज हम अपनी क्या ऑब्लिगेशन समझ रहे हैं। माइनस प्लान एसेट्स की फेयर वैल्यू कितनी है, उतना हम माइनस कर देंगे, उतनी हमें ज़रूरत नहीं है लायबिलिटी। और जितना अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट है, यानी कि जितनी अब कुछ चेंज हुआ होगा हमारी लायबिलिटी में, उसको भी कम कर देंगे क्योंकि वो अब हमारी लायबिलिटी को कम कर रहा है। तो फाइनल आंसर ये ऐसे आएगा, यही लिखा था फॉर्मूला। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं धीरे धीरे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बिल्कुल आराम से देखते हैं कि लोगों को नौकरियों से निकालने के बाद, मतलब आफ्टर कर्टेलमेंट, आज हमारी ऑब्लिगेशन कितनी है, आज की ऑब्लिगेशन कितनी हो गई बताओ। वेरी गुड, 5400। तो क्लियर हो गया भाई सबको 5400, क्योंकि पहले ऑब्लिगेशन 6000 थी, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, तो कर्टेलमेंट के बाद कितनी हो गई, 5400, है ना। चलो तो इसमें लिख देते हैं 5400। तो देख लेना अच्छे से कि भाई सबको क्लियर है, मैं स्टार लगा रहा हूँ। तो क्लियर है सबको, ठीक है। माइनस, अब ये दोनों हमेशा आपको गिवन होंगे, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट, उसने फेयर वैल्यू बताई होगी प्लान एसेट्स की 5100। तो इतने एसेट्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं 5100, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 5100। तो यहाँ तक ओके हो गई कहानी। फिर अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट। अब पास्ट सर्विस कॉस्ट का एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, अगर आपको वो डेफिनेशन जब लिखवाई थी, एक सेकेंड, कि जब हमारी प्रेजेंट वैल्यू में कोई चेंज हो जाता है, जब उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, अगर आप देखोगे नोट्स के अंदर पॉइंट नंबर 1 या 2 में था कि चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब कुछ हमारी लाइबिलिटी में चेंज हो जाता है, उसको बोलते थे पास्ट सर्विस कॉस्ट। देख गया, चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन शॉर्ट में। तो वो देखो उसने कितना दे रखा है हमको सी पॉइंट में, अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट है 180। अब जिसमें से 10% यानी 18 रुपये तो हमने वहाँ पर एलोकेट कर दिए थे कि वो तो उस खर्चे के पार्ट हो गए, और कितने बच गए थे अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस का 162। तो मैंने कहा था ना काम आएगा, तो ये 162 इसका मतलब हमारी अब लाइबिलिटी को कम कर रहा है क्योंकि कुछ चेंज हुआ है। तो 162 रुपए आप इधर एलोकेट जो हो रहे हैं उसको शो कर दो। तो हम सिर्फ अपनी लायबिलिटी कितने रुपए शो करेंगे, 130। तो ये मतलब हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये हमारी लायबिलिटी टू बी शोन इन बैलेंस शीट आ गई। तो ये भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये कर्टेलमेंट के टॉपिक पर बेस्ड था बेसिकली, कर्टेलमेंट।
ठीक है, तो समझ आ गया। तो कर्टेलमेंट में क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है तो यही क्वेश्चन पूछेगा, जब भी पूछेगा गेन निकलवा लेगा या फिर आपसे कहेगा अब लाइबिलिटी बताओ आफ्टर कर्टेलमेंट। ठीक है, कर लिया नोट ये वाला भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको दोबारा से बनाना है, मतलब 100% लिख लेना। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे जो लास्ट के दो टर्म्स थे, बेसिकली सर्विस कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट, उसका क्वेश्चन है। तो ये भी मतलब मस्ट है फॉर एग्ज़ाम, ठीक है ना, उस टॉपिक का एक ही क्वेश्चन ऐसा बनता है। चलो तो ये पढ़ते हैं धीरे धीरे। इसमें कह रहा है एन एम्प्लॉई रोशन हैज़ ज्वाइंड अ कंपनी एक्स वाई जी लिमिटेड इन द ईयर 2001। तो एक रोशन नाम के व्यक्ति ने कंपनी ज्वाइन करी 2001 में। द एनुअल एम्यूलमेंट्स, मतलब वही सैलरी ऑफ रोशन एज डिसाइडेड इज 1,490,210। तो ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, एक डायग्राम से बना देता हूँ। तो 2001 में एक रोशन नाम के आदमी ने कंपनी ज्वाइन करी और इसकी तनख्वाह कितनी थी, 1,490,210। ये मतलब एनुअल तनख्वाह है, तो मैं पूरी लिख देता हूँ पर एनम, ठीक है। उसके बाद द कंपनी हैज़ ऑल्सो अ पॉलिसी ऑफ गिविंग, ठीक है ध्यान से पढ़ना धीरे धीरे, लमसम पेमेंट ऑफ 25% ऑफ द लास्ट एनुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इफ द एम्प्लॉई रिटायर्स आफ्टर कंप्लीटिंग मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो मैं ये समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है। देखो कंपनियां क्या पॉलिसी रखती हैं, कंपनी कहती हैं कि भाई अगर आपने 5 साल नौकरी कर ली हमारे यहाँ, है ना, रिटायर होने से पहले, या तो बीच में छोड़ के चले गए तो अलग की बात है, अगर आपने 5 साल नौकरी कर ली तो बड़े ध्यान से सुनना, हम आपको आपकी जो लास्ट सैलरी होगी ड्रॉन, लास्ट सैलरी का मतलब कौन सा हो गया, जो उसने 5वें साल में ली होगी, क्योंकि पहले साल तो थी इतनी, दूसरे साल कुछ होगी, तीसरे साल कुछ होगी, चौथे साल कुछ होगी, 5वें साल को बोलते हैं लास्ट सैलरी ड्रॉन, कि 5वें साल आपने जो भी सैलरी ड्रॉ करी होगी ना, हम उसका 25% आपको देंगे एज लमसम कैश, या लमसम मतलब एक साथ दे देंगे। तो मतलब आदमी के मन में लालच आ जाता है, यार एक काम करता हूँ इस कंपनी में 5 साल अब टिक के काम कर लेता हूँ, क्योंकि 5 साल अगर टिक गया तो 5वें साल के एंड में मुझे एक साथ 25% पैसा मतलब एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो भी मेरी सैलरी होगी, ये मतलब है। समझ आ गई स्टोरी का क्या वो चल रहा है। अच्छा अब आगे पढ़ रहा हूँ, फिर आप चाहे बना लेना ये ड्राइंग। फिर लिखा है द सैलरी ऑफ रोशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% पर एनम। अब रोशन को लग रहा है या हमें मतलब कंपनी को लगता है कि रोशन की सैलरी 10% पर एनम के हिसाब से बढ़ जाएगी पर एनम, ठीक है ना। चलो तो अब आपका कैलकुलेटर पे चीता बना करना है आपको। तो आज पहले साल सैलरी है 1,490,210, 10% बढ़ा दो, फिर 10% बढ़ा दो, फिर 10% बढ़ा दो, और फिर 10% बढ़ा दो, तो बताना पे कितनी आ गई। ठीक है मैं भी कर लेता हूँ। 14 लाख बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, 90,210। प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% चार, और एक बार और मतलब 5 बार करना। अब प्लस 10% तो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब 5वें साल के पहुंच के कितनी हो जाएगी,
हाँ वही मेरी भी आ रही है, 23,99,998.11 आ रही है। ठीक है तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, उसको राउंड कर लेते हैं, अप्रॉक्स 24 लाख रुपए कर लेते हैं। तो इसका मतलब 5 साल के इंक्रीमेंट के बाद है ना, क्योंकि 5 साल तक नौकरी करनी है तो हर साल उसको 10% इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। तो 5 बार आप इंक्रीमेंट दे दो, 5 इंक्रीमेंट्स दे दो, तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए और 5 साल हो गए। तो 5 साल के इंक्रीमेंट के बाद उसकी तनख्वाह हो जाएगी 24 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर उसने 5 साल नौकरी कर ली तो आखिरी सैलरी वो कितनी ड्रॉ करेगा, 24 लाख। तो कंपनी कह रही है कि भाई हम आपको फिर उसका 25% लमसम दे देंगे। तो निकालना 24 लाख का 25%, 6 लाख। तो ये 6 लाख रुपए उसको मिलेंगे फॉर एवरी ईयर, फॉर ईच ईयर के हिसाब से मिलेंगे। मतलब ये भी समझा देता हूँ एक बार दिखाने के लिए, देखो कि कंपनी कैसे काम करती है कि 25% ऑफ द लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई के बाद फॉर से पढ़ना, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मतलब हर एक साल के लिए आपको मिलेगा ये 6 लाख रुपए। इसका मतलब है कि कंपनी टेक्निकली ये मान के चल रही है कि हम इसको हर एक साल के 6 लाख रुपए देंगे तो 30 लाख रुपए मिलेंगे उसको इकट्ठे, मतलब फॉर 5 ईयर्स। तो इसका मतलब अगर ये एम्प्लॉय 5 साल काम करेगा तो कंपनी इसको 5 साल के इकट्ठे एक साथ 30 लाख रुपए देगी, क्योंकि लमसम का मतलब होता है कि 5 साल का पैसा एक साथ दे रही है कंपनी। ठीक है, पहले यहां तक कैलकुलेशन ओके हो गई। सॉरी, अब हमें मुंशीगिरी भी डिस्कस करनी है। तो अब कंपनी अपनी बुक्स में इसको कैसे शो करेगी, अब आप बताओ। अब कंपनी को तो डर है ना कि अगर ये टिक गया, देखो कंपनी के मन में क्या विचार आएगा कि अगर इसने नौकरी कर ली 5 साल तक तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 30 लाख देने पड़ेंगे। तो कंपनी अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करे बताओ। नहीं, प्रोविजन नहीं बनाएंगे। अगर प्रोविजन बना दिया तो क्या होगा, उसका रीजन बता रहा हूं। अगर पहले साल प्रोविजन बना दिया तो पहले साल ही पीएनएल पर 30 लाख का बर्डन आ जाएगा, क्योंकि पीएनएल डेबिट और लाइबिलिटी बन गई 30 लाख की पहले साल। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि टाइम पीरियड ऑफ सर्विस कितना है, 5 साल। तो पीएनएल पर हमें बर्डन भी 5 साल का डालना चाहिए, मतलब इस 30 लाख के बर्डन को पीएनएल पर हम 6 लाख रुपए डालेंगे 5 वर्षों तक। तो कंपनी इसकी जब अकाउंटिंग करेगी तो वो हर साल पीएनएल में कितना बर्डन डालेगी, 6 लाख। ये मतलब, तो पहले समझ आ गई इतनी स्टोरी। ठीक है, तो खैर अभी इतनी स्टोरी तक ही चल रहा हूँ, फिर आगे पढ़ते हैं। अब लिखा है जी, द कंपनी हैज़ इंडक्टेड रोशन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ही विल कंप्लीट द मिनिमम 5 ईयर टर्म बिफोर रिटायरिंग, दस ही विल गेट 5 ईयरली इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये मतलब एक कहानी, बस कहानी है। वो तो कह रहा कंपनी को लग रहा है कि रोशन जो है काम कर लेगा 5 साल तक और उसको इंक्रीमेंट भी 5 सालों का मिल जाएगा। ठीक है, तो वो तो हम भी मान के चल रहे हैं कि हो गया। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट द कंपनी शुड चार्ज इन इट्स पीएनएल एवरी ईयर एज कॉस्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो ये हमने निकाला है अभी तक कि कंपनी कितनी कॉस्ट हर साल पीएनएल में चार्ज करेगी, डिफाइंड बेनिफिट कॉस्ट 6 लाख। तो कंपनी हर साल अपने पीएनएल में 6 लाख रुपए डेबिट करती रहेगी हर साल और कहेगी भाई डिफाइंड बेनिफिट खर्चा हो गया, डिफाइंड बेनिफिट खर्चा हो गया, डिफाइंड बेनिफिट खर्चा हो गया। तो 5 वर्षों तक 6 लाख रुपए वो पीएनएल में डेबिट करती रहेगी और 5वें साल बाद 30 लाख देने भी पड़ गए तो ठीक है, कंपनी पहले से ही प्रिपेयर्ड थी। तो आप ये मतलब बना सकते हो ड्राइंग वैसे तो, हालांकि इसको हम लिख के भी सॉल्व कर लेंगे कायदे से, बट आपको समझ आ गई पहले स्टोरी। तो 30 लाख रुपए देने हैं कंपनी को और पीएनएल में कंपनी 6 लाख रुपए हर साल
चार्ज कर लेगी एज कॉस्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लीगेशन। तो ये मतलब हो गया पहले एक पोर्शन। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो ये तो आप चाहें ऐसे ही अभी लिख लो, बाकी फिर बाद में लिख लेंगे ढंग से। अब जो मेन मुद्दा है वो सिखाऊंगा आपको, जिसके लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन सुपर हॉट आएगा, और इस कॉन्सेप्ट का ये मेन चीज़ जो हमें सीखनी है। ऑल्सो कैलकुलेट द करेंट सर्विस कॉस्ट। तो एक तो आपको मैं करेंट सर्विस कॉस्ट निकालना सिखाऊंगा, एंड इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज पर ईयर एज्यूमिंग डिस्काउंट रेट दे रहा है 8%, और उस डिस्काउंट रेट की उसने प्रेजेंट वैल्यूज भी खुद ही दे दी ताकि बच्चा परेशान ना हो, पीवी फैक्टर्स। ठीक है, पहले इतना ओके हो गया। चलो तो एक बार आप नोट्स में चेक करो, करंट सर्विस कॉस्ट जो है उसका क्या फॉर्मूला लिखवाया था। करंट सर्विस कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लीगेशन। वेरी गुड। तो मतलब पहले मैं ओरली समझा देता हूँ, फिर आपको वैसे समझा दूंगा। देखो, हमने इसमें रोशन भाई को 5 वर्षों का सवाल है नौकरी पर रखा, तो पहले दिन कंपनी को पता होता है कि पहले दिन कितना हमारा मतलब डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है, 6 लाख का पहले साल का। फिर इसी तरह दूसरे साल की बिगनिंग में भी कंपनी को पता है 6 लाख का, तीसरे साल की बिगनिंग में भी कंपनी को पता है 6 लाख का, चौथे साल की बिगनिंग में भी कंपनी को पता है 6 लाख का, और 5वें साल की बिगनिंग में भी कंपनी को पता है 6 लाख का। तो ये क्या है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है ना। लेकिन ये तो हमें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद पे करने, तो इन सब की अगर मैं आज की वैल्यू निकाल लूं कि इन सब की 6-6 लाखों की आज की क्या वैल्यू होगी, और डिस्काउंटिंग रेट उसने कितने परसेंट दे रखा है, 8%, और प्रेजेंट वैल्यूज भी दे रखी है 0.735, 0.794, 0.857, 0.926, और पहले साल का तो 1। तो अगर हम इनसे मल्टीप्लाई करके इनकी आज की वैल्यू निकालना चाहें तो निकल जाएगी। समझ गए खेल। चलो तो पहले वो टेबुलर फॉर्मेट में ही कर लेते हैं, तो इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में ऐसे कर लेते हैं। एक बना लेते हैं ईयर, ब्रैकेट में लिख देता हूँ बिगनिंग, डेफर्ड बेनिफिट ऑब्लिगेशन लिख लेते हैं, पीवी फैक्टर लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा करंट सर्विस कॉस्ट। तो ये टेबल बना लो आप, ठीक है, एग्जाम में आप ऐसे ही प्रेजेंट करना। तो फर्स्ट ईयर की बिगनिंग 6 लाख, पीवी फैक्टर 1, सेकंड ईयर की बिगनिंग 6 लाख, प्रेजेंट फैक्टर कितना दे रखा है, 93926, मतलब वैसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो, तो 6 लाख, 0.857, 6 लाख, 0.794, और 6 लाख, 0.735। तो बस जो जो प्रेजेंट वैल्यू आती रहेंगी वो करंट सर्विस कॉस्ट निकल जाएगी हमारी। तो पहला मैं बताऊंगा, बाकी आप। तो पहले ही तो आ रही है 6 लाख। अच्छा, इसमें ऐसा करना, डिस्काउंटिंग फैक्टर सॉरी इसी ऑर्डर में लगाना है एक्चुअल में, नहीं तो क्योंकि हमें तो आज कम खर्चा बुक करना है ना, नहीं तो आज बर्डन ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो आप ये पीवी फैक्टर सॉरी मैंने उल्टे लगा दिए, तो उसी ऑर्डर में लगाना जिस ऑर्डर में क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, क्योंकि अगर हम ऐसे लगाएंगे तो फर्स्ट ईयर पर बर्डन ज़्यादा आएगा है ना, और भविष्य में कम, जबकि उल्टा होना चाहिए, क्योंकि भविष्य के 6 लाख ज़्यादा मायने रखते हैं।
तो आप इसी ऑर्डर में लगाना, तो 0.735 पहले करना, तो इससे करंट कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि आज की वैल्यू हमेशा कम होती है, भविष्य की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा, 0.857, 0.926, फिर 1, तो इसी ऑर्डर में लगाना पीवी। तो लास्ट वाला तो 6 लाख रहेगा, तो मतलब 5 साल की बिगनिंग वाले में तो हम 6 लाख दिखाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले का 1, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है। दूसरे का 476, 400, 514, 200, 555, 600, ठीक है, और 6 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि, हाँ, वो तो क्यूमुलेटिव हो गया, मतलब जो 6,6,6,6 लाख है पीएनएल में जा रहा है, तो हम उसकी अगर वैल्यू देखें, प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से हम वैसे देखें, तो इसका मतलब ये हो गया कि आज की टर्म्स में डिस्काउंटिंग करके हम ये मान रहे हैं कि 441, 476, 400, 5 लाख, 14,200, 5,5,5,600, और आखिरी साल में 6 लाख, तो हम ये मान रहे हैं एक तरह से। तो हमने डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस को पीवी बना दिया, मतलब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया एक प्रकार से, तो इसको बस बोलते हैं करंट सर्विस कॉस्ट। तो ये मतलब एक छोटा सा पॉइंट होता है करंट सर्विस कॉस्ट निकालने के लिए, तो बस आप उसमें डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन को पीवी कर देंगे, ठीक है। तो ये ओके हो गया। और दूसरा उसने बोला था इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज्ड पर ईयर, तो ये मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे निकालना है। तो इसके लिए आप एक टेबुलर फॉर्मेट बना लेना, पहले कॉलम में लिख लेना ओपनिंग बैलेंस, दूसरे कॉलम में इंटरेस्ट, तीसरे कॉलम में करंट सर्विस कॉस्ट, और चौथे बैलेंस में, चौथे कॉलम में क्लोजिंग बैलेंस। तो 4 कॉलम बना लेना, इसको नाम दे देते हैं ए, इंटरेस्ट को नाम दे देते हैं बी, करंट सर्विस कॉस्ट को नाम दे देते हैं सी, और क्लोजिंग बैलेंस को नाम दे देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो आप इसका टेबुलर फॉर्मेट बना लो। तो ईयर 1 के बिगनिंग में ओपनिंग बैलेंस में तो आपको 0 ही लिखना है, क्योंकि अभी तो शुरू करते हैं पहला साल। इंटरेस्ट भी 0 लिखना है, क्योंकि अभी कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, और करंट सर्विस कॉस्ट आपको ऊपर से देखनी है कि पहले साल हमने करंट सर्विस कॉस्ट कितनी निकाल रखी है, 441, तो लिख लो 441। तो ओपनिंग बैलेंस 0 था, उस पर ब्याज भी फिर 0 ही लगेगा, और करंट सर्विस कॉस्ट है 441, तो आज हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया 441। पहले साल का तो करंट सर्विस कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 441। तो अभी तो मैडम पहले ही साल हुआ है, अब ये सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 441। तो अब अपना कैलकुलेटर निकालना है आपको, तो 8% है उसको कैलकुलेट करें, तो 441 का 8% निकालना है, 35,280, तो इंटरेस्ट लिख लेना 35,280, और करंट सर्विस कॉस्ट ऊपर टेबल से देख लो दूसरे साल की कितनी है, 476,400, तो 476,400। तो
तो 441 ओपनिंग में था, फिर ब्याज लग गया और करंट सर्विस कॉस्ट और आ गई, तो क्लोजिंग में कितना? 952 680। ठीक है, फिर थर्ड ईयर की बिगिनिंग में हम इसी को ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे 952 680। तो इसका 8% निकाल लो, 76214। तो 0.4 छोड़ो फिर, और करंट सर्विस कॉस्ट ऊपर से देख लेते हैं, 514200। ठीक है, 514200। तो अब क्लोजिंग में कितना हो गया? फिर एक मज़ेदार चीज़ होगी, ठीक है, 1543094। तो ईयर फोर के बिगनिंग में ये बन गया ओपनिंग बैलेंस 1543094। तो अब इसका 8% निकालो, 1234 7। ठीक है, और करंट सर्विस कॉस्ट ऊपर से देख लेते हैं, 555600। तो 555600, तो क्लोजिंग कितना बन गया? तीनों को जोड़ लो, 22,22,141। ठीक है, 22,22,141। तो ईयर फाइव का ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब एक मज़ेदार चीज़ होगी आपके साथ, इसमें देखना, 22,22,141। फिर इसमें ब्याज जोड़ लो, 8%, 1777771। अच्छा ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। और करंट सर्विस कॉस्ट तो 6,00,000, तो इन तीनों को जोड़ लो, 30,00,000 आ रहा होगा अप्रॉक्सीमेशन की वजह से। हाँ, तो अब ये हमें, क्योंकि दिखाना ही 30,00,000 है, क्योंकि 5 साल के आखिरी में तो हमें पता है 30,00,000 पूरा हो गया ना, तो ये उसका बाइफर्केशन चल रहा है अंदर कंपनी के नज़रिए से, कि भाई इतना वो कॉस्ट मान रही है, इतना ब्याज मान रही है, इतना ही कॉस्ट मान रही है, इतना ब्याज मान रही है, एंड में जाकर 30,00,000 तो कंप्लीट हो। तो इसके टोटैलिटी को ठीक करने के लिए आप इंटरेस्ट को चेंज कर लो बस, नहीं तो फिर इन तीनों का टोटल 30,00,000 नहीं बन रहा ना, तो थोड़ा सा इसको आप चेंज कर लेना अप्रॉक्सीमेटली करके। तो लास्ट वाला इंटरेस्ट आप हल्का सा चेंज कर लिया करो अप्रॉक्सीमेशन डिफरेंस की वजह से। तो कितना लिख लें? 859। ठीक है, तो 150 रुपये बढ़ा दिए, मतलब 90 रुपये, लगभग 80 रुपये बढ़ा दिए। तो वो अप्रॉक्सीमेशन के लिए, क्योंकि एंड में हमारे को 30,00,000 टोटल क्लोजिंग बैलेंस शो करना है। तो ये क्वेश्चन मतलब इम्पॉर्टेंट था। तो इसमें दो चीज़ें थी, इंटरेस्ट कॉस्ट निकालना, तो ये जो बी कॉलम आपने निकाला ये बेसिकली इंटरेस्ट है, तो कंपनी इसको अपना इंटरेस्ट का खर्चा मान रही है, और करंट सर्विस कॉस्ट उतना मान रही है, लेकिन अब टोटैलिटी में देखोगे तो 30,00,000 बन गया। अल्टीमेटली कंपनी के लिए है 30,00,000 का खर्चा, लेकिन उसमें इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट अलग हो गया और कॉस्ट कॉम्पोनेंट अलग हो गया। चलो, हाँ, तो कंपनी मतलब हर साल के ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट लगाती है, उसको जोड़ लेती है, और उस साल की कॉस्ट का खर्चा जो है वो और जोड़ लेती है, तो फिर वो क्लोजिंग बैलेंस बनता रहता है। चलो, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करना है दिमाग को शांत करने के लिए, इतने हैवी क्वेश्चन करने के बाद। ये सब अब छोटे छोटे क्वेश्चन है वन नंबर के, तो ये आप ओरली कर लोगे, कैलकुलेटर पर ही कर लोगे, वैसे ही बता देना। इसमें है, द फॉलोइंग डेटा अप्लाई टू एक्स लिमिटेड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, कैलकुलेट द एक्चुअल रिटर्न। ठीक है,
तो बस आपको एक्चुअल रिटर्न बताना है ऑन द प्लान एसेट्स. बेनिफिट पेड 2 लाख रुपए, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 280, फेयर मार्केट ऑफ प्लान एसेट ऑन 31 मार्च 2002, मतलब क्लोजिंग में वैल्यू है 11,40,000, और फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स ओपनिंग में है 8 लाख रुपए. तो वो पूछ रहा है एक्चुअल रिटर्न कितना निकाल लिया. तो मतलब मैं ड्राइंग बना देता हूँ ताकि आपको अगर समझना हो. तो ओपनिंग में हमारे मटके में है 8 लाख रुपए. अब हमने बेनिफिट पे करा 2 लाख का और कंट्रीब्यूशन उसके अंदर ऐड हो गए 280 के. तो ये होने के बाद मटके में कितना हो गया, 8,80,000. लेकिन क्लोजिंग में हमें कितनी दे रखी है मटके की वैल्यू, 11,40,000. तो होना चाहिए 8,80,000 लेकिन है 11,40,000. तो इसका मतलब आपका एक्चुअल रिटर्न कितना आ गया, 2,60,000. तो ये 1 नंबर का मतलब छोटा क्वेश्चन हो गया, या 2 नंबर का एक्चुअल रिटर्न. ठीक है, तो समझ आ गया वाला भी. तो बस ये तो एक छोटा क्वेश्चन था, बाकी 9th हमने कर ही लिया था जो वो वाला था. ठीक है, तो यही मेन क्वेश्चन थे प्रैक्टिकल इसके. बाकी थ्योरी के लिए मैं बस ऐसे ही मार्क कर रहा हूँ, मतलब ताकि आप बुक में अगर देखो तो जो इलस्ट्रेशन 1 में दे रखा है उसमें वो वाला पॉइंट कवर हो रखा है जो मैंने आपको नोट्स में बताया था. तो मैं मार्क करवा रहा हूँ बस आपको कि एम्प्लॉई कौन होता है. तो एक बार मुझे याद दिलवाना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस. हाँ, तो बेसिकली ये उस पॉइंट को समझाने के लिए इलस्ट्रेशन दे रखा था. ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन 3 ये आप ओरली ऐसी देख लो एक बार मेरे साथ. ये पढ़ लेते हैं, ये छोटा क्वेश्चन है. इसमें दे रखा है एंटिटी एक्स वाई इज रिक्वायर्ड टू पे ए सैलरी ऑफ 2 करोड़ रुपए. तो एक एंटिटी है जिसको 2 करोड़ रुपए की सैलरी पे करनी है फॉर द ईयर 2012. इट एक्चुअली पेड सैलरी ऑफ 1.90 करोड़, लेकिन इसने सिर्फ 1.90 करोड़ की ही सैलरी पे करी है और बैलेंस इन अप्रैल 2002, और बचे हुए पैसे अगले साल अप्रैल में पे कर रही है. तो देखो आपसे पूछ रहे, डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज इन द ईयर 2012 एंड एनी अमाउंट्स टू बी शोन थ्रू बैलेंस शीट. तो देखो वैसे लॉजिकल है, कंपनी को पूरे साल की सैलरी कितनी पे करनी है, 2 करोड़. अब उसने एक्चुअल में पे करी 1.9 करोड़, तो इसका मतलब 10 लाख रुपए हम क्या मान लेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी. बचपन में भी ऐसे ही करते थे. तो बस वो कह रहा है कि हमारा एक्सपेंस जो रिकॉर्ड होगा वो तो कितना ही रिकॉर्ड होगा, पूरा 2 करोड़, क्योंकि हमारा एक्सपेंस तो कितना होता है, 2 करोड़. हम तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से करते हैं. और जो लाइबिलिटी शो करेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो कितनी शो करेंगे, 10 लाख. ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है. ऐसे ही एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ये बेसिकली है कि इन केस एन एंटरप्राइज अलाउज अनयूटिलाइज्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, एग्जांपल मेडिकल केयर लीव ट्रेवल एटसेट्रा, टू बी कैरिड फॉरवर्ड, वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज ए प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट. तो एक छोटा सा 1 नंबर क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट दे रहा है, कह रहा है आपकी छुट्टी जो भी है आप आगे ले जा सकते हैं. तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या इनके लिए भी हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा. तो आंसर है यस, कि भाई हाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन तो हर उस बेनिफिट के लिए बनाना पड़ता है जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है. तो चाहे वो कैरी फॉरवर्ड हो चाहे ना हो, हर तरह के बेनिफिट के लिए हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा. और लास्ट और है, ये भी छोटा सा 1 नंबर का है.
इलस्ट्रेशन 6। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, तो आप इसको चाहे मार्क कर लेना। तो इसमें लिखा है ओमेगा लिमिटेड बिलोंग्स टू द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, द कंपनी रिसीव्ड एन एक्चुअरियल वैल्यूएशन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इट्स पेंशन स्कीम विच रिवील्ड ए सरप्लस ऑफ 6 लाख। देखो इस लाइन का मतलब है कि कंपनी ने अपना एक एक्चुअरियल वैल्यूएशन करवाया पहली बार, और उसमें ये रिवील हुआ कि इनको 6 लाख का सरप्लस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एक प्रकार से क्या है, एक्चुअरियल गेन। याद है एक टर्म लिखी थी शुरू शुरू में, तो इसका मतलब इनको एक अपनी स्कीम में 6 लाख का एक्चुअरियल गेन हो रहा है। अब देखो लेकिन ये क्या चाह रहे हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना, कंपनी क्या चाह रही है। इट वॉन्ट्स टू स्प्रेड द सेम ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स। अब ये इस फायदे को कह रहे हैं कि हम इसको अगले 2 साल में स्प्रेड करना चाह रहे हैं 3-3 लाख। और कैसे स्प्रेड करना चाह रहे हैं, वो अपने एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन को 2 लाख रुपए करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ 5 लाख। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि हमें 5 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करने थे, तो 5 में से 3 का अपना फ़ायदा हो गया, तो कह रहे हम खाली 2 कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। द एवरेज रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज इज एस्टिमेटेड टू बी 6 साल, और एम्प्लॉई जो है वो भी 6 साल काम करने वाला है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी ऑन द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स टेकिंग नोट ऑफ द मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आप नोट्स में जाकर बस ये देखो कि एक्चुअरियल गेन के बारे में क्या अकाउंटिंग लिखवाई थी। हाँ, और उसका ट्रीटमेंट था सेम ईयर, तो बिल्कुल सही। तो आप इसमें आंसर में यही बताओगे कि जो कंपनी चाहती है वो गलत है। कंपनी इस गेन को देखो कैसे स्प्रेड कर रही है 2 साल में, है ना। तो कंपनी जो करना चाहती है इसका मतलब वो गलत है। एज पर एएस 15 कंपनी को पूरे के पूरे 6 लाख रिकॉग्नाइज करने चाहिए अपने पीएनएल अकाउंट में इन द सेम ईयर। तो बस आप ये आंसर छोटा सा इसमें लिख सकते हो।